वीडियो में सबका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम इस माउंटेन में थे और हमारा नेक्स्ट ट्रिप इस माउंटेन के लिए प्लानड था। तो लंच के बाद हमारा ट्रिप शुरू होता है। इस जिगजैग रोड में रेड करके इस स्टैचू के पास जाएंगे। अभी हम पहुंच गए बुद्ध भगवान के स्टैचू के पास। बड़ा स्टैचू है, हम आपको इसका एरियल व्यू दिखाएंगे। दूर से जो दिख रहा है वही है हिस्टोरिकल पार्क जहाँ पे हम पहले गए थे। अगर आपने उसका वीडियो मिस किया तो ऊपर लिंक में आपको दिखेगा, आप चेक कीजिए। यहाँ से हमें बहुत कुछ शूट करना था ड्रोन से, लेकिन मौसम अचानक चेंज हो गया, बारिश गिरने लगी, तो हम लोग ने प्लान चेंज किया। हम लोग अभी वापस नीचे जा रहे हैं। नीचे जाते जाते मैं आपको वो वाला स्पॉट दिखाऊँगा जहाँ से मैंने फायर शो का फोटोज़ और वीडियोज़ लिया था। यही जगह है वो, फायर शो के टाइम में इधर बहुत लोग आते हैं। सामने आपको दिख रहा है माउंटेन, दूर से फायर शो अच्छा दिखता है। फायर शो का फोटोज़ और वीडियोस आपको उसी एपिसोड में मिलेगा, आप देख लीजिए। नीचे की तरफ जा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। अभी तो कैसा भी करके यहाँ से जाना पड़ेगा। बुद्ध भगवान का स्टैचू दिख रहा था दूर से, जब भी हम नीचे जा रहे थे आपने ऑब्जर्व किया होगा। अभी हम नीचे जाएंगे, वहाँ से हमें मिलेगा बैंकॉक जाने का हाईवे। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि बारिश ज़्यादा तेज आने वाली है, तो हम जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा रास्ता अच्छा नहीं है, नीचे जाने के बाद अच्छा रास्ता मिलेगा हमें। यहाँ के हाईवेज इतना अच्छे है कि यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत स्मूथ रोड्स है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। अभी सिर्फ बारिश का चिंता है क्योंकि मेरे पास एक ही रेनकोट है, पीछे जो गौतम बैठा है उसको भीगना पड़ेगा। साथ में हमारा जो कैमरा है, ड्रोन है, गोप्रो है, सब कुछ भीग जाएगा, तो हम जल्दी कर रहे हैं। अगर बारिश तेज़ हो जाएगी तो हमें कहीं रुकना पड़ेगा, देखते हैं अभी क्या होता है। Right.
बारिश बहुत ज़ोर से आई, हम कुछ देर रास्ते में रुक गए थे। लेट हो जाएंगे सोच के फिर निकल पड़े। अभी थोड़ा कम हो गई, रेनबो निकल आया आसमान में। यहाँ पे मौसम जल्दी बदल जाता है। पेचोवरी में बहुत प्लम ट्रीज है, तो गौतम को टॉडी प्लम केक ट्राई करना था। इसके लिए हम ढूंढ रहे हैं कोई सेलर है क्या रास्ते में। प्लम केक तो नहीं मिला, हमें मिला प्लम फ्रूट से बनाया हुआ स्वीट, खनम तान बोलते हैं ताई लैंग्वेज में। गौतम ने सिर्फ प्लम फ्रूट लिया, वही उसको खाना था फाइनली। और उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े। जैसे मैंने बताया, थाईलैंड में मौसम जल्दी बदल जाता है। देखिए, कुछ डिस्टेंस में बिल्कुल बारिश नहीं गिरा। कुछ देर में हम हमारा रूम में पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। नया वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।